अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए। आज हम चिकन कीमे में आलू कीमा बनाने जा रहे हैं। मैं बहुत बेसिक डिशेस भी बताती हूँ और बहुत ज़्यादा वो वाली डिशेस भी बताती हूँ कि जो कि फैंसी डिशेस कहलाती हैं। तो बेसिक डिशेस बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा घर में यूज़ होती हैं। तो ये आलू कीमा चिकन कीमे में बनेगा। सबसे पहले ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के कुछ देर के लिए रख दिया था, ये इसी में, बल्कि मैंने रात को ये हाफ के जी कीमा है, मैंने ये रात को फ्रिज में निकाल के रख दिया था और इस वक्त ये सब पिघला हुआ है, मेल्ट हुआ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हम सबसे पहले इसमें पानी ऐड करेंगे। हर उसके कीमे के बीच में जब पानी आ जाता है तो फिर वो लम्स नहीं बनते, मोटे मोटा वो नहीं बन जाता, आपको कई घंटे नहीं लगते सुखाने के लिए, उसको दब पीसने के लिए चम्मच से। तो जब ये हर चिकन के बीच में, पीसीस के बीच में पानी आ जाएगा तो ये आपको बहुत आसानी से रेशमी कीमा बन के तैयार हो जाएगा। आपको इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से इसको सारा डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व नहीं, मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हर चिकन के पीस के बीच में पानी आ चुका है, तो अब ये दोबारा किसी ऐसी उसमें नहीं आएगा, बहुत आसान रहेगा। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं टू टेस्ट। हाफ के जी है ये, तो मैं इसमें से हाफ जब बन जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर मैं हाफ इसमें से निकाल के तो बाकी में मैं आलू ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए ज़्यादा है, दो टाइम हो, दो दफ़ा बन जाता है आसानी से। इसमें नॉर्मल मैं वेजिटेबल ऑयल ऐड करूँगी, अराउंड हाफ कप होगा, और इंक्लूडेड ऑलिव ऑयल, थोड़ा ये डालूंगी, थोड़ा ऑलिव ऑयल डालूंगी, बस इतना डालूंगी कि ये मुझे थोड़ा सा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, ज़्यादा नहीं ऐड करूंगी। हाफ कप टोटल मिला के दोनों दोनों तेल, ये ऑलिव ऑयल है के अलावा इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे 2 टीस्पून, उसके अलावा इसमें हम कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम ग्रेवी बना रहे होते हैं। उसके अलावा हम रेड चिली ऐड करेंगे 2 टीस्पून। उसके अलावा हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और नीचे फ्लेम ऑन कर देती हूँ। फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। चिकन की तो जो चीज़ हो उसमें मस्ट होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 2 टीस्पून ही बस ऐड करूंगी मैं। Thank you.
इसको अच्छा सा भून लेंगे। ये इसी तरीके से भून के सामने आएगा, इसमें कोई गुठली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये इसी तरह मैंने जो एक मग्गा पानी डाला था ये वही है, अभी मैंने इसमें कोई मजीद पानी नहीं ऐड किया। और इसी को मैं लो फ्लेम कर देती हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ देती हूँ इसी एक मग पानी के साथ। तो ये इसी में थोड़ा सा टेंडर भी हो जाना है। 10 मिनट बाद इसको देखती हूँ और इसके साथ ही मैं बताना भूल गई, इसके साथ ही हम इसमें 1/2 कप ब्राउन अनियन भी ऐड कर देंगे। ब्राउन अनियन की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें। मिक्स कर दूंगी, ये भी साथ ही टेंडर हो जाएगा इसमें। टेंडर होकर डिसॉल्व भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अब इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। टाइम हो गया है, हम चेक कर रहे हैं। मैंने 10 से 15 मिनट ले लिए थे क्योंकि मैंने कहा वो अच्छा सा ऑनियन जो है वो बीच में डिसॉल्व हो जाए, और वो हो भी गए हैं। देख रहे हैं कहीं कोई ऑनियन नहीं नजर आ रहा। अब मैं इसमें से 1/2 कीमा निकाल लूंगी। मेरी फैमिली के लिए ज़्यादा है तो मैं 2 दफ़ा करके बनाती हूँ। 1/2 kg है ये, 1/2 kg को मैं 2 times करके यूज़ करती हूँ। फिर मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डालूंगी और ये 4 से 5 आलू हैं मीडियम साइज के, ये ऐड कर दूंगी। और फिर इस आलू के मुताबिक हम सॉल्ट ऐड करेंगे। स्लाइटली सा इसमें मैं जैतून ऑयल ऑल डाल दूंगी। कुकिंग ऑयल डाला था मैंने और फिर वो भी डाला था, तो मैं थोड़ा सा इसमें जैतून का और डाल देती हूँ इस आलू के हिसाब से। बस खाने की लुक्स अच्छी होनी चाहिए, बहुत मैटर करता है। अच्छा सा मिक्स दूंगी इसको मैं और ये अच्छा सा भूनूंगी। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें आलू के गलने जितना एक मग पहले डाला था उतना ही मैं दोबारा पानी डाल के फिर चढ़ाऊंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा भून लूंगी, भूनने के बाद देखते हैं। फ्लेम मैं तेज कर देती हूँ, ये अच्छा सा भुना है। इसमें सॉल्ट मैंने डाल दिया है, रेड चिली अगर कोई बहुत स्पाइसी खाता है तो उसको वो डाल लें, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कीमे में 2 teaspoon डाल चुकी थी, मुझे वो सफिशिएंट है। तो अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है तो फिर वो 1 teaspoon और ऐड कर लें। ये भुन गया है बहुत अच्छा सा। अब इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। या मैं एक टिप आपको और दे दूँ कि मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च जुलियन कटिंग ऐड की है। ये बहुत
अच्छी टिप है, अगर आप लोग इसको फॉलो करें तो। शिमला मिर्च, हरी मिर्च के साथ थोड़ी सी अगर शिमला मिर्च भी कीमे की किसी भी डिश में ऐड किया जाए तो वो बहुत अच्छा सा उसका अरोमा भी होता है और टेस्ट भी होता है, बहुत ही जायकेदार बन जाती है चीज। शिमला मिर्च बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ मैं एक मग पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसको अराउंड 10 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ये रेडी हो गया और इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पे कर देती हूँ। और 10 मिनट्स के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। 10 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आलू इतना ही टाइम लेता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। चेक करती हूँ, ये मुझे 15 मिनट्स हो गए, क्योंकि कभी आलू का पता नहीं चलता किस तरह का आ रहा है, कभी किस तरह का आ रहा है, तो ये इतना टाइम ले लेता है। और इसने अपना पानी भी छोड़ा है आलू ने, तो ये आलू गल चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल गला हुआ है, आलू गल चुका है। और अब बस हमने इसका पानी रिड्यूस करना है। तेज़ आंच पे मैं पानी रिड्यूस करती हूँ और जितना मुझे चाहिए होगा बस मैं उतना रखूँगी। आप लोग भी जितना जूसी आपको चाहिए हो आलू की माँ, उतना पानी बीच में छोड़ दें और बाकी को तेज़ आंच पे रिड्यूस कर दें। ये पानी ड्राई हो गया इसका, और ऑयल आप लोगों को कुछ कम लग रहा होगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा ऑयल का परहेज चल रहा है तो इसलिए मैंने तो कम डाला है। आप लोगों की मर्जी है, थोड़ा सा और डाल लें जो ऊपर मतलब नज़र आए ना, नज़र आने वाला ऑयल ऐड कर लें, मुझे नज़र आने वाला नहीं डालना। और उसके अलावा स्पाइसेस भी आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, मैंने वही 2 टीस्पून के अलावा नहीं ऐड किया इसमें। और अब ये ठंडा होके भी ना कुछ होगा, अब ये मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और ये ठंडा होके भी ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और ये बस रेडी है। बहुत खुशबू अच्छी आ रही है शिमला मिर्च की स्पेशली, तो आप लोग ज़रूर बताएं कैसा लगा, क्या हुआ, अच्छा बना के ना बना आपका, अच्छे से कमेंट्स भी दें अपना। आप लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा लगता है, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।